लर्निंग विद डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 नवंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार, राष्ट्रीय समाचार। किसी की हिम्मत नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। लद्दाख में चीन की तैयारियों पर बोले रक्षा राज्य मंत्री। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण कराई गई आपात लैंडिंग। सेवा संस्थापक और पद्म भूषण से सम्मानित ईला भट्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन। व्हाट्सएप ने फिर कसी संदिग्ध यूजर्स की लगाम, 26 लाख से ज्यादा अकाउंट बैन। हरियाणा झज्जर में पंचायत चुनाव के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट, ईवीएम मशीन भी तोड़ी। किन्नर समाज को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हिमाचल के चुनाव मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी, 5 से 9 नवंबर को करेंगे 2-2 रैलियां। अवैध खनन मामला, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन मिलने पर गुस्साई जेएमएम। बीजेपी ने कहा कानून कर रहा है अपना काम। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा लेबर्स को देंगे 5,000 रुपये प्रतिमाह। मोरबी हादसा, पुल रिपेयर करने वाली कंपनी के मालिक लापता, फार्म हाउस पर लगा है ताला, एफआईआर पर उठ रहे हैं सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 3,000 से अधिक ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का उद्घाटन किया। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। ऋषि सुनक ने यूके और पीएम बनने के बाद लिया सबसे बड़ा यू टर्न। पुतिन के काले हाथ की तस्वीर ने फिर तेज की बीमारी की अटकलें, विशेषज्ञ लगा रहे हैं कयास। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के मुहाने पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया चली मिसाइलें, उड़ानों का बदला रास्ता। दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के इलाके में लगा लॉकडाउन, चीन ने कहा कोई भी घर से ना निकले। एलन मस्क ने ब्लू टिक पर दिखाई अकड़, कहा शिकायत से फर्क नहीं पड़ता, 8 डॉलर की फीस तो देनी पड़ेगी। इसराइल में नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के आसार, जून 2021 में छोड़ी थी सत्ता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद जारी रखने का वादा किया है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री मोहम्मद हसन महमूद ने मंगलवार को दिल्ली में अपने देश की आर्थिक सफलता का श्रेय भारत सरकार को दिया। ब्राजील चुनाव, बोलसोनारो ने तोड़ी चुप्पी, नहीं स्वीकार की हार। समाचार खेल संबंधित। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप पदार्पण कर रही नित्या और मनीषी, आसान जीत। एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप्स ओपन वर्ग में 4 खिलाड़ियों को संयुक्त बढ़त। ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा केरल। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय, बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हराया। समाचार बिजनेस संबंधित। सभी के लिए एक समान ITR फॉर्म लाने का प्रस्ताव, लोगों से मांगी गई राय। 4 दिन की तेजी के बाद लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 215 अंक टूटा, निफ्टी 18,100 के नीचे। सरकार ने इथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का लिया फैसला। रबी सीजन के लिए 51,875 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी कैबिनेट ने दी मंजूरी। एयर एशिया का बड़ा फैसला, भारत में अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगी। RBI की डिजिटल करेंसी को पहले ही दिन मिली अच्छी शुरुआत, 48 सौदों में 275 करोड़ का लेन देन। CBDC पर RBI गवर्नर का बड़ा ऐलान, महंगाई पर बोले अर्जुन की नज़र रख रहे। अब बीमा पॉलिसी में मानसिक बीमारी कवर करना होगा ज़रूरी। RBI की बैठक से पहले 4 बैंकों का कर्ज महंगा, 0.15% से लेकर 0.35% तक महंगे हुए लोन। समाचार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मस्क की कंपनी SpaceX ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। चांद पर पीने के पानी की खोज के लिए नासा लॉन्च करेगी फ्लैशलाइट। सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचने में लगेंगे लगभग 3 महीने। समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।